पांव रखा और मेरे सर को दबाना शुरू कर दिया, मेरे मुंह पर पांव रख के उसको अपने पांव से कि मैं आवाज ना निकाल सकूं, और मेरा पांव मुंह उन्होंने फर्श के अंदर दबाना शुरू कर दिया, मेरी सांस घुटने लगी और मैंने चीखने की कोशिश करी कि मैं नहीं चीख पा रहा था। वो बार बार मेरी कोहनियों के ऊपर पिस्टल के बट मारी जा रहे थे और इसी दौरान उनमें से एक की टेलीफोन कॉल आई। वो टेलीफोन कॉल आई तो उस वक्त उसने जेब से मोबाइल निकाल के अपना मोबाइल बंद करने की कोशिश की, तो उस वक्त मैंने तड़पना शुरू कर दिया। और वो तड़पते हुए तो मेरे एक बाजू की थोड़ी सी ग्रिप लूज हुई, मेरे मुंह की थोड़ी ग्रिप लूज हुई, तो मैंने चीखे मारनी शुरू कर दी। जब मैंने चीखे मारी तो उसने फिर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की और मुझे कहा चुप रहो, अच्छा नहीं मारते, चुप रहो। लेकिन मुझे अब आइडिया हो चुका था कि अब चुप होने का फायदा नहीं, ये मजीद मारेंगे। मैं तड़पता रहा, मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहे, मैं तड़पता रहा, चीखता रहा। जब मैं चीखता रहा तो फिर वो भागते मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास लेकर, उन्होंने कहा कि हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब खामोश हो जाओ, हमें जाने दो, अगर चीखोगे तो हम गोली मार देंगे, हमें जाने दो, हमारा पीछा नहीं करना, हमें बाहर निकले दो। तो फिर मैं 2 सेकंड के लिए खामोश हुआ और देन दे रैन आउट, वो बाहर भाग गए। ये जितने यहाँ पर सहाफी खड़े हुए हैं ये सब मेरी फैमिली हैं। बात यह है कि ये बात असद अली तूर की नहीं है, ये बात सहाफी बिरादरी की है। आप कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है असद अली तूर, भाई इतनी आसान पब्लिसिटी है तो जो लोग ये कह रहे हैं वो भी अपने साथ एक एक दफा करवा लें। 75 साल गुजरने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं सीखा सहाफियों के ऊपर, ये मर्डर अटेम्प्ट्स और सहाफत के ऊपर जो सबसे बड़ा कत्ले आम होने जा रहा है वो मीडिया अथॉरिटी का कयाम होने जा रहा है। असद तूर पर हमला, असद तूर पर हमला नहीं है, ये तमाम सहाफियों पर हमला है। जो माजी में असद तूर की तरह तशद्दुद का निशाना बने उन पर हमले किए गए, हमने इसी तरह मुजाहरे किए, इसी जगह पे खड़े होकर मुजाहरे किए और मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अब्सार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। हम न डरने वाले हैं, न डरे हैं, न झुकने वाले हैं, न झुके हैं। जो गोलियां खा के, लाठियां खा के, अपनी नौकरियां गवा के यहाँ पे खड़े हुए, असद तूर पर अटैक करके ये मैसेज दिया गया, क्या बाबा घरों पे भी महफूज नहीं है? सन या डॉटर ऑफ द सॉइल कोई बात करता है तो वो साजिश हो जाती है। हमारी एक लीगल जद्दोजहद है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त सख्त क्राइसिस में। सहाफी बरादरी की शोइंग नहीं हो रही, इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के साथ इस मुल्क में हो रहा है, इस मुल्क में जो स्पेस नहीं दी जा रही तलबा को बोलने की, यहाँ जो मजदूरों की सूरत हाल है, ये जान ले ये सारी सियासी जमातें कि ये इसके बाद इनका नंबर है। ये जो कुछ हो रहा है, आज तूर का दरवाजा खटखटाया है, कल मेरा दरवाजा खटखटाया जाएगा, और फिर मुझे बोलने वाला मेरे लिए कोई नहीं।